हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजय और स्वागत है आपका टेक ड्यूटी के एक और नए फ्री स्टूडियो में। तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ, जैसा कि मैंने इसके पहले एक वीडियो में बताया था कि कैसे आप ब्लॉग के थ्रू भी इनकम कर सकते हैं, यानी कि जैसे हम लोग पहले कॉपी या कागज़ में लिखते थे, वही चीज़ सेम अब हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन लिख कर पैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए कि कैसे हम लोग ब्लॉग में अपना वेबसाइट क्रिएट करते हैं, फिर उसको ब्लॉग को कैसे पब्लिश करते हैं, कैसे ब्लॉग को लिखते हैं, सारी चीज़ मैं आपको आज क्लियर कराने वाला हूँ। और एक बात मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि ब्लॉग बनाने से पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी एक वेबसाइट की, आपको खुद का एक वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी। वेबसाइट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सिंपल सा हमें डोमेन यूज़ करना पड़ता है, यानी कि डोमेन खरीदना पड़ता है, जो कि डोमेन बेचने वाली बहुत सारी कंपनी है। जस्ट एज लाइक आपने गोडेडी का नाम सुना होगा, गोडेडी के थ्रू भी आप जेन्युइन जो डोमेन्स होता है उस डोमेन्स को वहाँ से ले सकते हैं। और डोमेन लेने के बाद क्या होगी, आपकी एक वेबसाइट बनेगी। वेबसाइट बनने के बाद क्या होती है, आप उसको ब्लॉग को अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर सकते हो। और अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो फिर आपकी जो ब्लॉग है वो ब्लॉग बहुत ज़्यादा रीच तक नहीं पहुँचेगी। यानी कि इनकम कैसे होती है ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ समरी, उसके बाद हम लोग सीधे चलते हैं किस तरह से हम लोग ब्लॉग क्रिएट करते हैं। तो इनकम इससे ये होती है कि आपके चैनल पर कितने ट्रैफिक आती है, आपके वेबसाइट पर कितने ट्रैफिक आती है। जैसे कि यूट्यूब का फंडा है, आपके चैनल को जितने जन सब्सक्राइब करेंगे, जितनी ज़्यादा व्यूज़ जाएगी, वैसे उस हिसाब से हमकी इनकम आएगी। बट वही चीज़ अगर हम लोग ब्लॉग में बात करें तो ब्लॉग के लिए क्या होती है, आपके जो वेबसाइट पर कितने रीच आती है, कितने उसमें लोग आते हैं, और उसी को हम लोग ट्रैफिक बोला जाता है। ठीक है, कितने लोग आते हैं, कितने देर स्टे करते हैं आपके वेबसाइट पे, कितने देर तक ब्लॉग को आपको पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ कैलकुलेट होकर फिर आपको उस हिसाब से गूगल क्या करती है, आपकी वेबसाइट पे कोई भी ब्लॉग पे ऐड शो करती है। आपने भी देखा होगा बहुत किसी ने, अगर आपने कुछ भी चीज़ सर्च किया होगा तो वहाँ पर आपको एक ऐड दिखाई मिलती है। वो ऐड जनरली क्या होती है, वो जो भी जिसने ब्लॉग क्रिएट किया है उसका जो ब्लॉग है वो मोनेटाइज हो चुका है, जिस कारण वो ऐड वहाँ पर शो करती है, जिस ऐड के हिसाब से क्या होती है वो पैसे इनकम। तो चलिए अब बढ़ते सीधे हम लोग अपने लैपटॉप स्क्रीन की ओर और देखते हैं हम लोग किस तरह से ब्लॉग को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो ब्लॉग क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप अपना गूगल ओपन कर लीजिए। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ जो गूगल ऐप्स होती है इसको क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी आप देखते हैं डायरेक्ट ब्लॉग पे आप घुस सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट blog.com करके भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो सिंपल मैं ब्लॉगर जो है इसमें जाता हूँ, ये भी डायरेक्ट क्या होती है, सीधे blog.com पे ही ओपन होती है। देखिए ये जो इसका वेबसाइट है blogger.com, आप यहाँ से भी जाके कर सकते हैं, या तो आप जेडीडी जो ब्लॉग है वहाँ पर भी जाके आप सीधे डायरेक्ट ब्लॉग पे आ सकते हो। तो मेरे एक्चुअली देखिए ईमेल से साइन इन किया हुआ है। आपको क्या करना पड़ेगी, जितने भी आपके गूगल अकाउंट है गूगल अकाउंट से पहले साइन इन करनी होगी। गूगल अकाउंट से साइन इन करने के बाद क्या होगी, वही जो आप कहोगे उसी के हिसाब से सारी चीज़ ब्लॉग वहाँ पर आप पब्लिश कर पाओ। आपको करना कैसे, देखिए यहाँ पर न्यू पोस्ट है, क्रिएट ए न्यू पोस्ट, यहाँ पर आपको जल्दी जाना है न्यू पोस्ट पर। जैसे हम लोग मैसेज भेजते हैं तो किसी को ईमेल वगैरह सेंड करते हैं, सेम टू सेम आपके सामने पेज ओपन होती है। वैसे ही देखिए, जैसे कि आप खुद देख रहे होंगे वर्डप्रेस, यानी कि जैसे हम लोग एमएस वर्ड में करते हैं, वो सारी चीज़ें सेम टू सेम यहीं पर है। आप यहाँ भी कुछ भी लिख सकते हैं, माय फर्स्ट ब्लॉग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को आप बोल्ड में भी कर सकते हो, बहुत सारी यहाँ पर ऑप्शन मिलती है आपको, इटैलिक में भी कर सकते हो, अंडरलाइन भी कर सकते हो। ये सारी चीज़ आपको क्या करनी, टाइम देनी पड़ती है, टाइम के हिसाब से आपको सारी चीज़ें एक एक करके लिखनी होती है। फॉन्ट यहाँ बहुत सारे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल आपका काम होता है ब्लॉग लिखने का, जो कि आपका सामने A4 साइज़ का पेज ओपन होती है, ठीक है। यहाँ पर आप जो भी ब्लॉग लिखोगे, ब्लॉग लिखने के बाद देखिए यहाँ पर एक पब्लिश का ऑप्शन आता है और एक प्रीव्यू का ऑप्शन आता है। तो मैं चलिए थोड़ा सा लिख के दिखा देता हूँ और उसके बाद हम लोग प्रीव्यू करते हैं। चलिए मैंने फिर इतना लिख दिया। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देखिए इंसर्ट इमेज है, इमेज वगैरह भी जो अभी आपके है वहाँ पर इमेज वगैरह भी डाल सकते हैं ब्लॉग से रिलेटेड, यहाँ पर सारी इमेज वगैरह आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चलिए प्रीव्यू करके देखते हैं हम लोग। जैसे आप प्रीव्यू करोगे आपके सामने एक नया पेज ओपन होगी और आपकी जो ब्लॉग है वो लोगों को कैसे दिखेगी ये आपके सामने ओपन हो जाएगी, कि लोगों को कैसे वो ऊपर जो ब्लॉग है आपके वो नज़र आएगी। देखिए कुछ इस टाइप का आपकी जो ब्लॉग है वो नज़र आएगी। यहाँ पर आपका जो नाम रहेगा, जो भी आपने अपने ब्लॉगर वेबसाइट का या तो आपने जो भी नाम से अपना ब्लॉग ओपन किया होगा वही नाम यहाँ पर शो करेगी, और जो भी आपने लिखा वो शो करेगी। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर एड्स गो होगी, जब तक आपका चैनल में यानी कि जब आपका वेबसाइट मोनेटाइजेशन हो जाएगा उसके बाद क्या होगी, आपको यहाँ पर एड्स वगैरह दिखने लगेगी। तो सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पर देखते हैं डेस्कटॉप में कैसे दिखेगी। देखिए डेस्कटॉप में कुछ इस टाइप का दिखेगी, अगर मोबाइल में देखेंगे तो मोबाइल में कुछ इस तरह का दिखेगी, सॉरी टैबलेट में, और अगर स्मार्टफोन में देखेंगे तो स्मार्टफोन में कुछ इस तरह का दिखेगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर किस तरह से आपके ब्लॉग को शो होगी, जैसे जैसे आप लिखते जाओगे उस हिसाब से आपके ब्लॉग भी यहाँ पर
लिखाती जाएगी किस तरह से शो होगी नहीं होगी, ये सारी चीज़ बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जैसे जैसे आप लिखते जो सबसे पहली ज़रूरत पड़ती है आपको ब्लॉग लिखने के लिए आपका वेबसाइट होना मस्ट है। जब तक आपका पास वेबसाइट नहीं होगा खुद का तब तक आप इसको नहीं कर सकते हो। तो आपको कुछ पहले इनकम तो आएगी मैं एकदम 100% श्योर हूँ, बट क्या होगी आपको पहले कुछ इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, यानी कि आई थिंक शायद 2000 की 3000 रुपीज़ में आपको डोमेन मिलती है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहती है। डोमेन में भी अलग अलग टाइप्स की डोमेन रहती है, यानी कि .com डोमेन्स रहती है, .in डोमेन्स रहती है, और आपके फिर रहेगी .co.in, ये सारे टाइप का डोमेन रहती है। बट सबसे पॉपुलर जो डोमेन है और सबसे ज़्यादा जो सर्च लिस्ट में आती है वो डोमेन है आपका .com। तो .com अगर आप जब डोमेन लोगे तो फिर क्या होगी आपकी उसमें ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगी और उसमें ज़्यादा आपको पैसे लगेगी, पेड करनी होगी। लेकिन एक बार डोमेन खरीदने के बाद वो एक साल के लिए आपकी होगी, फिर उसको रिन्यूअल करानी पड़ती है, या तो आप परमानेंटली भी खरीद सकते हैं ज़्यादा पैसे देकर। इस सब से कुछ बहुत सारे चीज़ें आती है। चलिए मैं थोड़ा सा वो भी दिखा देता हूँ कहाँ से हम लोग डोमेन खरीद सकते हैं। आपको करना क्या है, सिंपल आपको न्यू टैब ओपन करना है। न्यू टैब ओपन करने के बाद गो डैडी लिख देना है, ठीक है। गो डैडी के थ्रू ही जो वेबसाइट्स होती है जो डोमेन खरीदते हैं हम लोग बहुत ही सही दाम में मिलती है और एकदम जेन्युइन रहती है। देखिए कुछ गो डैडी का इंटरफेस जो है वो कुछ इस तरह का है। यहाँ से आपको क्या होगी, देखिए स्टार्ट नाउ जो है ना, या तो यहाँ पर मान लीजिए आपके सबसे पहले डोमेन सर्च कीजिए, फाइंड योर परफेक्ट डोमेन। चलिए मैं अपने चैनल के नाम से डोमेन मेरा सर्च किया हुआ, देखिए techdudu.com यहाँ सर्च डोमेन करूँगा तो देखिएगी जो इस टाइप का डोमेन कोई है, यानी कि कोई तो ऐसा वेबसाइट कोई लिया नहीं ना है। देखिए मेरा डोमेन अवेलेबल है, लिख दिया है योर डोमेन इज़ अवेलेबल techdudu.com। कितना में है, 199 फॉर द फर्स्ट ईयर विथ अ 2 ईयर रजिस्ट्रेशन, 2 साल का मेरा रजिस्ट्रेशन रहेगा और 1 साल के लिए क्या होगी ये जो है ये वेबसाइट मेरे हो जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ होती है, इसको आप यहाँ से डायरेक्ट ऐड टू कार्ट करके बाय कर सकते हो। देखिए बहुत सारा मैंने जैसे बताया techdudu.in 149 में है, techdudu.co.in ये 99 में मिलेगा, techdudu.online ये 199 में मिलेगा, techdudu.org 99 में मिलेगा। जैसा है जो वेबसाइट है बहुत कम रीच आती है, वो सबका आप प्राइस भी देखिए, प्राइस भी कम है। techdudu.pro 506 रुपीज़, इस हिसाब से आपका बहुत सारे डोमेन के यहाँ पर शो होगी कि कैसे आप डोमेन ले सकते हैं। यहीं से आपको डोमेन ऐड टू कार्ट करके उसको बाय करनी होगी। बाय करने के बाद आपको क्या करनी है, यहाँ पर डोमेन को ऐड करनी होती है। यहाँ पर देखिए सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पब्लिशिंग ऑप्शन देखिए, ब्लॉग एड्रेस जो है techdudu.sanjay.blogspot.com ये ब्लॉग के थ्रू दिया, यानी जो ब्लॉगर वेबसाइट है ब्लॉगर वेबसाइट के थ्रू दिया गया है। बट जो आप जब डोमेन खरीदोगे तो यहाँ देखिए कस्टम डोमेन का ऑप्शन है, ये कस्टम डोमेन का ऑप्शन आप यहाँ पर ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ऐड करने के बाद ये जो है वेबसाइट, ये वेबसाइट हट जाएगी और जो आपने डोमेन खरीदा है वो डोमेन आपको यहाँ पर आ जाएगी, वो डोमेन आपको यहाँ पर लिख। उसके बाद कोई भी आपको जब गूगल में आपको वेबसाइट को लिखेगा तो क्या होगी, वो वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ कि कैसे ब्लॉग्स में एड्स आती है, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पेज ओपन करता हूँ, कोई भी मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। देखिए जैसे मैंने कि एक द इकोनॉमिक टाइम्स है, इसको मैंने ओपन किया हाउ टू ट्रैक GPS करके। इसके नीचे देखिए आप यहाँ पर आपका एड शो हो रही है, paid.try, few plans, ये सारे जो ऐड है ये ऐड के थ्रू ही क्या होती है वो लोग को इनकम आती है। यही सारी चीज़ें होती है जिसके थ्रू वो लोग क्या करते हैं, इनकम करते हैं कोई भी। देखिए कितना सारे ऐड चल रही है, OctaFX का ऐड यहाँ पर दे रही है, यहाँ भी OctaFX का ऐड दे रही है, paid.prime का एड्रेस दे रही है, बहुत सारे ऐड यहाँ पर आ रही है, शो हो रही है। प्लस आप जितने देर तक यहाँ पर स्टे करोगे, मतलब जितने देर तक आप इस पेज पे रहोगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, उन लोगों की जो इनकम है वो ज़्यादा इसमें ज़्यादा ऐड होती जाएगी। तो ये होती है ब्लॉग की कुछ खासियत। आप चाहे तो ब्लॉग अपने लोकल लैंग्वेज यानी कि बोला जाए अगर मदर लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, चाहे आप हिंदी में लिख सकते हैं, चाहे आप बंगाली में लिख सकते हैं, बशर्ते क्या होनी चाहिए जो ब्लॉगर वेबसाइट है इसमें सिर्फ आप क्या कर सकते हैं इंग्लिश में लिख सकते हैं। आपका अगर हिंदी टाइपिंग में आती है तो हिंदी टाइपिंग, हिंदी जो फॉन्ट होती है वो हिंदी फॉन्ट टाइपिंग करना पड़ेगा आपको, चाहे मंगल फॉन्ट से कीजिए चाहे जो भी फॉन्ट आपको सही लगे। यही सारी चीज़ होती है जो आप यहाँ से पब्लिश कर सकते हो। यहीं पर सारे आपके कमेंट्स वगैरह देख सकते हो अपने वेबसाइट पे जाने के, वेबसाइट जो ओपन हो जाएगी तो आपकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर शो होने लगेगी। यहाँ देखिए आप एक अर्निंग का आपको देखना होगा, अर्निंग में जाइए। अर्निंग में जाने के बाद देखिए आपको गूगल एडसेंस का अकाउंट क्रिएट करना होगा, और अगर आपका पहले से क्रिएट किया हुआ तो जनरली इसमें क्या करना है, गूगल एडसेंस का अकाउंट इसमें लॉगिन करना होगा। जैसे आप लॉगिन करोगे वैसे क्या होगी आपका जो इनकम है जितने सब अपने गूगल एड्स पे आने लगेगी। अभी देखिए कोई भी फॉलोअर्स नहीं है, कोई भी पोस्ट नहीं है, कोई भी कमेंट्स नहीं है, जिस हिसाब से आप डालते जाओगे उस हिसाब से मैंने अभी तक कुछ पब्लिश नहीं किया है जिस कारण यहाँ कुछ शो नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ें इसमें थोड़ी सी बस है, आपको पहले वेबसाइट लेनी पड़ेगी, वेबसाइट लेने के बाद सारी चीज़ आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी किस तरह से हम लोग ब्लॉग क्रिएट करते हैं और किस तरह से हम लोग GoDaddy.com से डोमेन परचेज करते हैं, उसके बाद कैसे ब्लॉग में लिंक करते हैं,
तो आई होप आपको अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मैं हर एक का कमेंट रीड करता हूँ। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कोई एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।